यासूब अब्बास बोल रहा हूँ। अच्छा यासूब अब्बास जी, जी 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 मौलाना यासूब अब्बास। हाँ अभी मेरे ख्याल आपके पी एस साहब से अभी बात हुआ था ना आपका माइनॉरिटी अफेयर्स के। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा अभी वो किरण रिजू जी एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स से मैं आपकी बात करवाता हूँ अभी। हाँ जी जी बात कराइए। मैं लाइन देता हूँ सर। हाँ लाइन करिए आप जी। अभी आप लखनऊ में ही है ना? जी हाँ मैं लखनऊ हूँ। जी जी एक मिनट। हेलो। हेलो हाँ जी मौलाना साहब बताइए। जी जी आदाब, कैसे हैं आप? ठीक ठीक है जी। खैरियत से हैं आप? बस खैरियत है, ठीक। यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली में हैं। जी जी मैं लखनऊ में हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे शायद कहा है बात करने के लिए। जी वो असल में मुहर्रम शुरू हो रहा है आज रात से। हाँ जी आज चांद रात है और 30 तारीख को आशूरा है, 10th डे ऑफ मुहर्रम है। हाँ जी तो हम लोग ये चाहते हैं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जी तो हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में कभी ताजिए नहीं रोके गए। ताजिया उत्सव नहीं है, ताजिया मॉर्निंग है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए, जो तो उनकी याद में ताजिया निकाला जाता है। तो बस आपसे गुजारिश ये है कि पूरे मुल्क में इतनी इजाजत दिलवा दीजिए कि ताजिया जो है वो निकल सके, क्योंकि ताजिया देखिए हर घर से निकलता है हमारे यहाँ लखनऊ में खास तौर से। बाहर हर घर से नहीं निकलता है, मगर ताजिया निकलता है। उसके अंदर आप तादाद मुयन कर दीजिए कि साहब 5 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे, 100 आदमी होंगे, प्लीज इसकी इजाजत दिलवा दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा पूरी हमारी। मैं अभी ये बात करता हूँ क्योंकि आपसे खबर आ गए हैं। जी जी ये आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात हुआ था? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मेरी बात हो गई थी, बहुत तफसीली बात हो गई थी। उन्होंने क्या कहा? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी बात हुई थी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी उनके तरफ से, नहीं मैं ये पूछ रहा था उनके तरफ से भी कुछ कदम उठाया? मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी देखिए हर शख्स अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है, मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने की कोशिश की थी। नहीं आप तो बात समझ गया, मैं तो करूंगा ही। जी 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 मैंने सिर्फ ये जानकारी के लिए नकवी जी का वहाँ से कुछ पहल हुआ क्या, वही पूछने के लिए। नहीं नहीं अभी तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ है वहाँ से। अच्छा अच्छा जी 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 अभी उधर से कुछ। मैं चाहता था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन आ जाए पूरे इंडिया में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जब पूरे इंडिया में डायरेक्शन आएगा। ठीक है मैं ऐसे करता हूँ कि आपसे फिर डिटेल, मेरा ऑफिस डिटेल ले लेंगे, फिर हम लोग आगे इसको क्या करना है। देखिए 30 तारीख को 10th डे ऑफ मुहर्रम है, रोजे आशूरा, और जो भी आप फैसला लीजिए 2-4 दिन के अंदर प्लीज ले लीजिए, क्योंकि आपने बोल दिया तो मैं इसको बिल्कुल गंभीरता से इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है जी 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 जी। आपने मुझे फोन किया तो मैं उसका आपका इज्जत रखना है, मुझे कुछ करना है। नहीं नहीं हम आप देखिए मसला क्या है कि हम आपसे कुछ, हम सिर्फ जैसे मेरे ओपन होने की इजाजत चाहती है बॉडी, हमारे कोई खाना नहीं खाता है। ताजिया दफन कर लेते हैं तब हम लोग खाना खाते हैं, फाका शिकनी करते हैं। अब सोचिए कि हम लोग अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। हाँ नहीं वो तो है ना, उसका ना हमारे माँ बाप ना हमारी औलाद इमाम हुसैन के सामने, लिहाजा प्लीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत दिलवा दीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से को इसीलिए मैंने कॉल किया था ताकि कम से कम 30 तारीख के अब थोड़े दिन बचे हैं 30 अगस्त के, 30 अगस्त से पहले पहले ये आदेश आ जाए पूरे स्टेट को लागू करा दें कि ताजिए की इजाजत दिलवाएं, ताजिया रोका ना जाए, क्योंकि ये पर्व नहीं है, ये मॉर्निंग है, ये गम है। जी जी ठीक है, नहीं आपने बोल दिया, मैं उसका कुछ करता हूँ। ठीक है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।